राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा होने जा रही है और परीक्षा को लेकर तमाम इंतजाम भी कर लिए गए हैं। हालांकि राजस्थान ही नहीं, देश भर में जब भी प्रतियोगी परीक्षाओं की बात चलती है तो एक पेपर वायरल जैसी दिमाग में शिकायत आती है या फिर इस तरह का विचार चलता है कि हाँ हो सकता है इस बार भी पेपर वायरल हो सकता है, पेपर आउट तो नहीं हो जाएगा। लेकिन तमाम वो अभ्यर्थी जो कि इस एग्जाम को लेकर सीरियस हैं, क्योंकि लगभग 9.5 लाख के करीब जो अभ्यर्थी हैं वो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए हम जानकारी यहाँ पर चाहेंगे। हमारे साथ में चेयरमैन हरिप्रसाद शर्मा जी हैं। तमाम एग्जाम के पहलू क्या हैं और वो स्टूडेंट अभ्यर्थी डिस्टर्ब नहीं हो, अपने एग्जाम के प्रति लगनता के साथ में तैयारी भी करें और पेपर भी पूरी तरह से देके आए, इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हरिप्रसाद जी, सबसे पहले तो चाहेंगे कि एग्जाम किस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं, क्या कुछ इस पूरे एग्जाम को लेकर विभाग चल रहा है? तो ये जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है ये 25 और 26 फरवरी को 11 जिलों में आयोजित की जा रही है और 27, 28 और 1 मार्च को ये जयपुर शहर में आयोजित की जाएगी। मैं आपको आपकी तरफ से ये अभ्यर्थियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ये परीक्षा पूर्णतः सुरक्षित, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होगी। किसी प्रकार की अफवाहों के या कोई यदि इस प्रकार का कोई माफिया या किसी प्रकार की अगर कोई चीज़ गलत बातें पैदा करते हैं उन पर कतई ध्यान नहीं दे। किसी भी प्रकार की परीक्षा में गड़बड़ी होने की संभावना नहीं है, क्योंकि कुछ निहित स्वार्थी तत्व होते हैं, वो ऐसी अफवाहें पैदा करते हैं, उनमें उनका स्वार्थ छिपा हुआ होता है। कई परीक्षाएं रही हैं जिनके ऊपर सवाल उठे हैं, हालांकि कुछ परीक्षा ऐसी भी रही जिनके पेपर लीक भी हुए और सरकार ने उसको आउट भी वहां पर किया पेपर को। ऐसे में इस परीक्षा को लेकर कुछ सख्ती आप लोग बरत रहे हैं ताकि अभ्यर्थियों को विश्वास हो सके कि हाँ इस एग्जाम जो है इसमें सख्ती भी रहेगी और तमाम जो पेपर हैं बिल्कुल जो सेंटर तक भी पहुँचेंगे, अभ्यर्थियों को भी सुरक्षित पहुँचेंगे? मैं इसमें बताना चाह रहा हूँ कि इसमें विशेष निर्देश मुख्य सचिव महोदय की तत्वाधान में 11 जिलों के एसपीज और कलेक्टर और संबंधित अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विशेष ये संदेश दिया गया हमारे द्वारा कि इसमें पूरी तत्परता और सतर्कता बरती जाए। पुलिस महानिदेशक महोदय ने भी उन जिलों के एसपीज और संबंधित आईजीज को भी विशेष रूप से निर्देश दिए गए, उन ऐसे तत्वों पर कड़ी नज़र रखी जा रही है जो इस प्रकार की अफवाह फैलाते हैं या कोई गड़बड़ी करते हैं या किसी प्रकार की बदमाशी करने का प्रयास करते हैं, तो उन्होंने सख्त कार्रवाई करने के पुलिस महानिदेशक ने निर्देश दिए हैं। इस तरह की अफवाहें सोशल मीडिया पर ज़्यादा चलती हैं, आप चाहेंगे, आप अपील भी करें कि अभ्यर्थियों से कि वो सोशल मीडिया पर इस तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं दें, क्योंकि अक्सर हम ये देखते हैं कि एग्जाम शुरू नहीं होता उससे पहले ही अफवाह शुरू हो जाती है कि पेपर आ गया है, इस तरह का पेपर वायरल हो रहा है, और हम सेम डे भी देखते हैं कि वो पेपर जब चलता है तब भी कुछ काट छांट करके बता दिया जाता है कि हाँ ये पेपर हमारे पास में सुबह ही आ गया था, इस तरह का चलता है। ये ऐसे तत्व हमेशा रहेंगे, कुछ इसमें ऐसे लोग चाहते हैं कि ये परीक्षाएं सकुशल संपन्न नहीं हो, दोबारा हो, इसमें कई निहित स्वार्थों का तत्व होता है, उनका फायदा होता है, वो ये सोचते हैं कि दोबारा परीक्षा होगी तो दोबारा कोचिंग करने का अवसर मिलेगा, दोबारा बच्चों को कईयों का वो ऐसा होता है। मैं उसकी गहराई में ज़्यादा नहीं जाना चाहता, अभ्यर्थियों से एक ही है कि ऐसे तत्वों निहित स्वार्थों के तत्वों की अफवाहों पर बातों पर ध्यान नहीं दें, अपनी मेहनत और लगन पर ही भरोसा रखें। मैं आपको ये भी आश्वासन देता हूँ कि अब तक 91 पेपर हमने कर्मचारी चयन बोर्ड में कराए हैं, एक पेपर वन रक्षक के में केवल कुछ आंसर्स 5-6 विद्यार्थियों अभ्यर्थियों तक पहुंचे थे, उसमें हमने कड़ी कार्रवाई की और दोबारा उसको निरस्त करके दोबारा परीक्षा करा के परीक्षा परिणाम जारी कर दिया। बाकी 89 पेपर्स में एक भी किसी में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हुई, तो ये समझना चाहिए कि हम बोर्ड कितनी तत्परता, निष्पक्षता और सुरक्षित तरीके से कार्य कर रहा है। सेंटर पर व्यवस्थाएं क्या रहेंगी, अभ्यर्थी कितने समय तक पहुंचे हैं, क्या 1 घंटे के बाद में प्रवेश उनके लिए निषेध रहेगा, क्योंकि अक्सर ये भी देखने में आता है कि सेंटर पर 2 मिनट बाद में अभ्यर्थी पहुंचता है, गाइडलाइन होती है कि 1 घंटे बाद में, 1 घंटे पहले से ही प्रवेश बंद कर दिया जाता है, वो थोड़े व्यथित भी होते हैं, अभ्यर्थी काफ़ी तैयारी भी करते हैं, तो क्या कुछ व्यवस्थाएं वहाँ पर रहेंगी और अभ्यर्थियों को क्या निर्देश आप देंगे कि वो संबंधित चाहे गहने वगैरह हो नहीं पहन के आएँ, या क्या व्यवस्था उनके लिए? मैं कहता हूं कि देखो कोई ना कोई समय सीमा रेखा तो खींचनी ही पड़ती है व्यवस्था बनाने के लिए, तो मैं अभ्यर्थियों से ये कहूंगा कि एंड टाइम पे पहुंचने की आदत ना पाल लें, वो उससे पहले आधे घंटा पहले पहुंचे, क्योंकि 1 घंटा पहले प्रवेश पूर्णतया बंद कर दिया जाएगा, इसमें कोई किसी की मदद नहीं कर पाएगा, इसलिए आप ऐसा अवसर ही नहीं दें किसी को, आप अपने घर से समय पर निकलें, थोड़ा और जल्दी निकलें, क्योंकि एक ही दिन की बात होती है।
तो अतः उसमें कोई भी केंद्राधीक्षक है वो कोई रियायत नहीं देगा। ये ड्रेस कोड का क्या रहेगा, ड्रेस कोड किस तरह की पहन के आए, क्या कुछ प्रतिबंध? ड्रेस कोड के बारे में उनके एडमिट कार्ड पे अंकित होता और वो किसी को परेशान करने के लिए नहीं होता, न ही कोई ऐसा उसमें इंटेंशन होता है, मकसद एक ही होता है किसी प्रकार की कोई अवैध सामग्री या कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर अंदर नहीं जाए, ये मकसद होता है उसके पीछे। उसके लिए जो जरूरी है वो निर्देश उनके एडमिट कार्ड पे दिए हुए, उनको ध्यान से पढ़ लें। आखिरी सवाल आपसे कि सख्ती तो रहेगी इस बार, क्योंकि काफ़ी हमने देखा कि पेपर्स लीक वगैरह की जो चीज़ें रही, ये तो आपसे भी पूछना चाहूँगा, सख्ती होनी चाहिए, तो सख्ती तो निश्चित रूप से होनी चाहिए क्योंकि तभी व्यवस्था उत्तम तरीके से बनी रह सकती है। तो बिल्कुल तमाम जो अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो अफवाह में नहीं आए, ये जनटीवी भी अपील करता है तमाम उन अभ्यर्थियों, क्योंकि लाखों जो अभ्यर्थी हैं उनका भविष्य इस पर टिका होता है और अगर वो पहले से ही डिस्टर्ब हो जाते हैं तो शायद एग्जाम पर पूरा फोकस भी नहीं कर पाते। कर्मचारी चयन बोर्ड का एक इतिहास भी रहा है फिलहाल अगर देखा जाए, हरिप्रसाद जी जब से यहाँ पर पहुँचे और कमान जब से संभाली है कि पेपर होने से लेकर सेंटर तक पहुँचने तक अधिकतम जो 99% जो अगर देखा जाए वो सफलता यहाँ पर हासिल रही है। तो ऐसे में एक बार फिर से हरिप्रसाद जी ने यहाँ पर वादा दिया, तमाम अभ्यर्थियों से भी किया है कि वो लोग लगनता के साथ जयपुर। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लगातार अपडेट और ताज़ तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए जन टीवी।